इंडियन वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिगरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। आईवी प्रधानाचार्य नंदिनी यादव व प्रबंधक पावन शर्मा ने गरीब असहाय लोगों और बच्चों को कपड़े वितरित किए। फिरोजाबाद आईवी स्कूल प्रधानाचार्य नंदिनी शर्मा ने बताया कि आईवी स्कूल के बच्चों से घर पर जो भी कपड़े हैं लाने को कहा गया। बच्चों और स्कूल स्टाफ ने मिलकर सारे कपड़े इकट्ठे कर लेबर कॉलोनी फाटक के पास बांटे। और भी ऐसी जगह हैं जहां लोग ठंड से परेशान हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, वहां भी कपड़े वितरित किए जाएंगे। प्रधानाचार्य नंदिनी यादव ने यह एक सराहनीय कार्य किया। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। कपड़े वितरित किए हैं, किस प्रकार के कपड़े थे और कैसे कैसे बच्चों को वितरित किए गए हैं? देखिए, हम सबको पता है ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है इस समय, तो हमारे स्कूल में हमने अनाउंस किया था बच्चों को, उनके पास जो भी कपड़े हैं, वूलन का क्लॉथ हैं, तो बच्चों से और उनके अभिभावक जो भी लोग हैं, हमारे टीचर्स स्टाफ हैं, हम सभी ने जो हम कपड़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, उनका कलेक्शन कर रहे हैं, तो जितना भी कपड़ा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसी जो भी जगह हमें पता चल रही है कि जहां ठंड की वजह से लोग परेशान हैं, कपड़े नहीं हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि उन लोगों तक अगर हम कुछ कपड़े वगैरह पहुँचा सकें। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कपड़ों का वितरण किया है और भी बच्चे जो है धीरे धीरे करके वो अपना कपड़ा जैसे लेकर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम कपड़ों को जो इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।